हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिष के आइडियाज। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंट और बहुत ही इजी और खाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऐसे रेसिपी बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स बता दूं, आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे का चीला, ठीक है। उसके लिए मैंने लिए है यहाँ पे थोड़ी हरी प्याज, ये है धनिया, और ये लिया है हरा लहसुन, ठीक है। हरा लहसुन, हरी प्याज और धनिया, ठीक है। और इसमें लिया है मैंने एक बाउल जितना बाजरे का आटा। इसका हम पहले बैटर रेडी करेंगे, ठीक है। ये सारे ग्रीन अनियंस, धनिया और हरा लहसुन ये सब इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी डालेंगे इसमें और लाल मिर्च और अदरक का पेस्ट, ठीक है, ये डालेंगे। फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, डालेंगे इसमें नमक। अब इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि बाजरे में ग्लूटेन होता नहीं है, तो ये जल्दी से फैल जाता है। बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत जाड़ा भी नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। अच्छे से फेंट लेना है सारे मसाले इसमें, अच्छे से मिल जाएगा इसको, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। देख सकते हो कद्दू चटनी की कितनी, जैसे पकौड़े के लिए हम लोग रखते हैं उतनी ही है। थोड़ा सा डालेंगे आप नींबू का रस डालेंगे। रेडी हो गया है पैन, मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल, अच्छे से फैला लीजिएगा पूरे पैन पे। बेसन का चीला भी खाया होगा आपने, ये भी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको डालेंगे हम लोग ये बैटर, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। छोटे छोटे जैसे पैनकेक बनाते हैं वैसे डालने हम लोगों को, छोटे छोटे। गैस को हम लोग मीडियम कर देंगे। छोटे छोटे चीनी बनाएंगे, थोड़ा सा डालेंगे सारे तेल इस तरह से,
और इसके ऊपर और एक चीज डालेंगे हम लोग। थोड़े से तिल इसके ऊपर से डालेंगे, थोड़े थोड़े तिल। इनको अच्छे से पकने देना है एक साइड से। साइड का जो भी तेल होगा वही इसके ऊपर डालेंगे हम। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा पलट देंगे अच्छे से, आसानी से निकल जाएंगे ये। और तेल डालने की जरूरत नहीं, इसमें ही ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये साइड से हटे रहेंगे, हमारा जो आटा बचा है वो भी हम लोग इसमें और दो आसानी से आ जाएंगे, वो तो यहाँ पे बना लेते। ये भी सीख जाएंगे साइड में, और जो आटा हमारा बचा है देखो इसके ऊपर भी डालेंगे थोड़े से तेल। ये कच्चे ही है तो सीखे हुए नहीं है। अच्छे से हो गए हैं और थोड़े से होने देंगे इनको। इन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। इनको भी हमने कलर कर थोड़ा सा प्रेस करके इनको अच्छे से सीख लीजिए। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, ठीक है। बाजरे का आटा है तो पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही इजी है और रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी है। बाद में जो दो बनाए थे वो भी रेडी खाने वाले। अच्छे से सेक लेंगे, सेक गया। अब हम लोग सर्व करेंगे इसको एक प्लेट में इस तरह से।
बहुत ही यमी लगते हैं ये, अचार के साथ या फिर सॉस के साथ भी इसको आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहे रेडी हो गए। लुक देखिए बहुत सुंदर लगते हैं, उतने ही ये टेस्टी भी लगेंगे। जरूर से ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है रेसिपीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिए, और सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए।